दोस्तों मेरा नाम है रवि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। फिल्म की शुरुआत में हम जॉन नाम के लड़के को देखते हैं, जिसका कोई दोस्त नहीं है। एक बार जॉन कुछ बच्चों को देखता है और उनके साथ खेलना चाहता है, लेकिन वे बच्चे उसे अपने साथ खिलाने से मना कर देते हैं। तब जॉन उन बच्चों को खिड़की से खेलते हुए देखता है। अगले दिन क्रिसमस होता है, सभी बच्चों को अपनी अपनी गिफ्ट मिलती है। जॉन जब अपनी गिफ्ट खोलता है तो उसमें एक टेडी बियर होता है। जॉन उसका नाम टेड रखता है। रात को जॉन एक टूटते तारे को देखकर विश मांगता है कि काश मैं टेडी से बातें कर पाता, और वो सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि टेडी पलंग पर नहीं है। वो उसे ढूंढने लगता है, तभी पीछे से टेडी उसे आवाज देता है। जॉन उसे देखकर डर जाता है, क्योंकि टेडी उससे बातें कर रहा था। धीरे धीरे ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। टेडी अब पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है। उसके जगह जगह पर इंटरव्यू होती हैं, लेकिन टेडी और जॉन आज भी अच्छे दोस्त होते हैं। आज भी दोनों साथ साथ ही रहते हैं। अब कहानी कई साल आगे बढ़ती है। जॉन अब 35 साल का हो चुका है। ये दोनों बहुत बड़े नशेड़ी बन चुके हैं। दोनों तरह तरह के नशे करते हैं। जॉन की लोरी नाम की एक गर्लफ्रेंड भी होती है। ये दोनों 4 साल पहले एक बार में मिले थे। तभी जॉन को ध्यान आता है कि उसे ऑफिस जाना है, लेकिन वो बहुत नशे में होता है। टेडी बोलता है मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा, लेकिन टेडी भी नशे में होता है, इसलिए वो गाड़ी को ठोक देता है। रात को जॉन और लॉरी रोमांस कर रहे होते हैं, तभी बादलों की आवाज होती है। टेडी डरकर उन दोनों के बीच में सो जाता है। सुबह लॉरी परेशान होकर ऑफिस जाती है। उसकी दोस्त बोलती है तुम इतनी परेशान क्यों हो। लॉरी बोलती है मैं टेडी से परेशान हूँ। उसकी दोस्त बोलती है तुम जॉन को बोल दो कि या तो घर में मैं रहूंगी या फिर टेडी। लॉरी बोलती है अगर उसने मुझे चुना तो टेडी उसे बर्बाद कर देगा, और क्या होगा अगर उसने टेडी को चुना। अगले दिन जॉन और लॉरी डिनर पर जाते हैं। लॉरी उसे टेडी से अलग होने का बोलती है। जॉन बोलता है वो मेरा तब से दोस्त है जब मैं 8 साल का था। लॉरी बोलती है अब तुम 8 साल के बच्चे नहीं हो, अब तुम्हारे और भी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जॉन टेडी से अलग नहीं होना चाहता। इसके बाद वे दोनों घर जाते हैं। वहाँ लॉरी देखती है कि टेडी लड़कियों के साथ मूवी देख रहा है। वहाँ उसकी पोटी भी होती है। ये देखकर लॉरी उस पर गुस्सा करती है और उसे वहाँ से जाने का बोलती है। इसके बाद जॉन उसे अकेले में ले जाता है और उसे अलग होने का बोलता है। टेड बोलता है ठीक है हम दोनों अलग हो जाएंगे, लेकिन हम हमेशा साथ में घूमेंगे। अगले दिन जॉन टेड को एक प्लेट दिलवा देता है और उसे एक स्टोर में नौकरी भी दिलवा देता है। वहाँ उसे एक लड़की पसंद आ जाती है। वो उसके सामने उल्टी सीधी हरकतें करता है। इसके बाद वो जॉन को नशा करने के लिए बुलाता है। ये दोनों गांजा फूंकते हैं। टेड बोलता है मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। जॉन बोलता है ठीक है कल हम सभी लोग डिनर पर चलेंगे। अगले दिन स्टोर का मालिक टेड को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे वो कहीं नहीं दिख रहा था। तभी उसे लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर टेड उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। ये देखकर वो टेड को अपनी ऑफिस में बुलाता है और बोलता है तुमने उस सामान के ऊपर संबंध बनाया जिसे हम कस्टमर को बेचते हैं। टेड बोलता है मैंने तो ऐसा एक मूली के साथ भी किया था, और वो मूली मैंने एक कस्टमर को खिला दी। स्टोर का मालिक बोलता है ये सब करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें प्रमोट कर रहा हूँ। शाम को चारों लोग डिनर पर जाते हैं। वहाँ पर टेड की गर्लफ्रेंड और लॉरी में लड़ाई हो जाती है। टेड उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। लॉरी जॉन से बोलती है तुम मेरे मना करने के बावजूद टेड से मिलने गए, उसके साथ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तुम उसके साथ रहते हो तो कोई काम नहीं करते। जॉन बोलता है मुझे एक मौका और दो, आगे से कोई गलती नहीं होगी। लॉरी उसे माफ कर देती है। अगले दिन जॉन लॉरी के साथ उसके बॉस की पार्टी में जाता है। वहाँ लॉरी का बॉस जॉन को महंगी महंगी चीजें दिखाता है। तभी जॉन के पास टेड का फोन आता है। टेड बोलता है मेरे घर में पार्टी है और पार्टी में सैम आया है। सैम इन दोनों का फेवरेट एक्टर होता है। जॉन जब टेड के घर पहुंचता है तो वो सैम को देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद सभी लोग पार्टी में एंजॉय करते हैं। मजे मजे में ये लोग एक दीवार को तोड़ देती हैं, जिसके कारण इनकी पड़ोसी से हाथापाई हो जाती है। कुछ देर बाद जॉन घड़ी देखता है तो वो भागकर लॉरी के पास जाता है, लेकिन लॉरी यहीं पर आ जाती है और वो जॉन से ब्रेकअप कर लेती है और गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद जॉन टेड पर गुस्सा करता है और बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और वहां से चला जाता है। रात को टेड जॉन के पास आता है और बोलता है मैंने लॉरी को उसके बॉस के साथ घूमते देखा, लेकिन जॉन उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और बोलता है काश मैंने उस रात विश न मांगी होती तो तुम्हारी वजह से आज मुझे परेशानी ना होती। ये सुनकर टेड को गुस्सा आ जाता है और वो जॉन को मारने लगता है। दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद दोनों शांत हो जाते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। टेड बोलता है उसका बॉस उसे लेकर एक कॉन्सर्ट में गया है, तुम वहां पर लॉरी के लिए गाना गाना, शायद वो मान जाए। इसके बाद जॉन लॉरी के लिए गाना गाता है, लेकिन ऑडियंस को गाना पसंद नहीं आता। एक आदमी उसे मारने आता है, तब जॉन उसे माइक मारकर गिरा देता है। इसके बाद कुछ गार्ड जॉन को पकड़कर ले जाते हैं।
इसके बाद लॉरी का बॉस उससे बोलता है कि जॉन ने तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा किया। लॉरी बोलती है मैं शर्मिंदा नहीं हूँ और गुस्से में अकेली वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टेड लॉरी से मिलने जाता है। टेड बोलता है जॉन तुमसे बहुत प्यार करता है, मैंने ही उसे तुम्हें छोड़कर अपनी पार्टी में बुलाया था, तुम दोबारा उसके पास चली जाओ, इसके बदले में मैं तुम दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इसके बाद लॉरी जॉन से मिलने चली जाती है। अब टेड घर में अकेला रह जाता है, तभी एक आदमी आता है और उसे किडनैप कर लेता है। वो उसे अपने घर ले जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह आदमी बहुत दिनों से टेड का पीछा कर रहा था। उसकी दीवार टेड के फोटों से भरी होती है। वो टेड से बोलता है अब तुम मेरे बेटे के हो, वो जैसा कहेगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। उसका बेटा उसका कान निकाल देता है। तब टेड उसे लुका छिपी खेलने का बोलता है। वो लड़का जब गिनती गिन रहा था तब टेड चुपके से जॉन को फोन कर देता है जो लॉरी के साथ होता है। टेड बोलता है मुझे एक आदमी ने किडनैप कर लिया है। तभी उसके पीछे से वही आदमी आ जाता है। वो फोन के कनेक्शन को काट देता है और उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन टेड उसमें फोन मारकर भागने लगता है। अचानक टेड टकराकर गिर जाता है। वो आदमी उसे बोरी में बंद करके वहां से जाने लगता है। तब तक जॉन और लॉरी उसकी गाड़ी को देख लेते हैं और उसकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। टेड गाड़ी का शीशा तोड़कर जॉन की गाड़ी पर आ जाता है। तभी वो आदमी अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा देता है जिससे टेड वापस उसकी गाड़ी में आ जाता है। अचानक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी खंभे से टकरा जाती है। टेड जल्दी से उतरकर पास के स्टेडियम में चला जाता है और वहां पर एक टावर पर चढ़ने लगता है, लेकिन वो आदमी उसके पीछे चढ़ने लगता है और उसे पकड़कर फाड़ देता है। तब तक वहां पर पुलिस आ जाती है। वो आदमी भाग जाता है। जॉन और लॉरी टेड को समेटकर घर ले आते हैं। लॉरी उसे सिल देती है लेकिन वो जिंदा नहीं होता। जॉन को इस बात से बहुत दुख होता है। रात को लॉरी टूटते तारे को देखकर टेड के वापस जिंदा होने की विश मांगती है। सुबह जॉन जागता है तो वो देखता है कि टेड वापस जिंदा हो चुका है। ये देखकर जॉन बहुत खुश होता है। इसके बाद वो लॉरी को टेड के लिए विश मांगने के लिए थैंक यू बोलता है और उसे शादी के लिए पूछता है। लॉरी उसे हाँ कर देती है। इसके बाद दोनों किस करते हैं। अब ये तीनों एक साथ ही रहते हैं और बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन बाद लॉरी और जॉन की शादी हो जाती है। टेड भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।